दो कंट्रोवर्सीज़ अचानक से शुरू हो गई थी एक चल रही थी एलविश मैक्सटन की मैक्सटन के कुछ फॉलोवर्स गए मुझे भैया हम आपस में कॉन्ट्रोवर्सी कर लेते आप मुझे थप्पड़ मार लेना चोरी माली दी आप मुझे मुंह पर दे के दिखाना पता भी नहीं था मैक्सटन नाम का कोई इंसान इस दुनिया में सर्वाइव भी करता है वो कहते ना वाइल्ड अब तो कम्युनिटी को लाना पड़ेगा मेरे फादर को कॉल आया कि आपके बेटे के चक्कर में स्कूल में टीम लड़ रही है। चार्जर लेते आना भाई मेरा चार्ज हो गया है मेरी बंदी होती तो मुझे ये नहीं करने देती मैं एक सिंगल हूँ जब हम वहाँ पहुँचे अब तो आप और रजत फ्रेंड्स हो गए के, के बारे में यही कहना है

अब दो दो चीज़ें एक साथ चल रही थी हाँ। आप वाला जो सीन था वो क्या था पूरा एलविश मैक्सटन की जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी उसको सॉल्व करा था रजत ने तो उसके बाद कुछ ऐसा ट्रेंड चला कि मैक्सटन के कुछ फॉलोअर्स बढ़ गए तो उसके बाद मुझे फिटनेस कम्युनिटी के कुछ क्रिएटर्स के मैसेज आए कि भैया हम आपस में कॉन्ट्रोवर्सी कर लेते आप मुझे थप्पड़ मार लेना क्योंकि आपकी भी इमेज थोड़ी राउडी वाली है आप मुझे थप्पड़ मारोगे हम पाँच छः दिन उसको खींचेंगे और मेरे फॉलोअर बढ़ जाएंगे आपका भी थोड़ा नाम बढ़ जाएगा तो वो मैंने कई जब मैसेज देखे ना मैंने एक स्टोरी डाली बिकॉज बींग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो इन्फ्लुएंस होना चाहिए जो लोग हमें फॉलो करते हैं उनके ऊपर अच्छा होना चाहिए तो मैंने ये बोला मैंने कहा यार स्टोरी में मैंने ये बोला और ये वाली कॉन्ट्रोवर्सी खत्म हुए दो दिन हुए थे तो मैंने स्टोरी में ये बोला मैंने कहा जो लोग मुझे ऐसे मैसेज कर रहे हैं आप ना अपने 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 हार्डवर्क पर ध्यान दो अगर आपको ऐसे लगता है कि आप कोई भी शॉर्टकट मार के आप आगे निकल जाओगे तो ये नहीं होता कुछ भी लोग आएंगे देखने कॉन्ट्रोवर्सी देखने आएंगे फॉलो करेंगे उसके बाद जब कॉन्ट्रोवर्सी खत्म हो जाएगा अनफॉलो करके निकल जाएंगे आप क्या सिखाओगे फिर कॉन्ट्रोवर्सी hmm. में आपको राजवीर ने थप्पड़ मारा उसको कितने दिन दिखाओगे फिर क्या दिखाओगे आप तो एट दी एंड आपके जो काम आएगा वो आपका टैलेंट आएगा hmm. तो मैंने कहा यार ये ये सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती कि किसी को थप्पड़ मारो किसी ने थप्पड़ खाया फिर बीच में कोई इंसान आया फिर उसने सॉल्व वो कराया उसके अब फायदा तो ये सब अब उसमें मुझे पता नहीं कौन सा मेरे मुंह से वर्ड ऐसा निकला जिसको रजत दलाल अपने ऊपर ले गया अच्छा उनको लगा कि ये डग, ये आपने उनके लिए बोला तो सुबह जब मैं मॉर्निंग में उठा तो मुझे बहुत सारी स्टोरीज लोगों ने भेजना शुरू कर दी तो उसके अंदर वो बहुत अग्रेसिव है भाई हमारा ना तो गालियाँ वालियाँ बहुत अच्छी देता है तो उसके अंदर उसने बहुत मतलब ऐसे अपशब्द लिखे हुए कि मैं यहाँ पर बोल नहीं सकता चैनल पर तो वो देख के फिर मुझे और गुस्सा आया तो अब मैंने कहा यार उसके पास मेरा नंबर भी था तो मैंने कहा अगर उसको ऐसे लगा कि मैंने उसे बोला है तो उसे मुझे कॉल करना चाहिए था डायरेक्ट तो मैं था। उन स्टोरीज़ को डिलीट करके एक एक्सप्लेन करते हुए बनाता कि यार अगर किसी को बुरा लगा तो रजत के लिए नहीं था वो hmm. लेकिन उसने पहले जब स्टोरीज डाल दी hmm. और मेरा भी पारा जब हाई हो गया उसके बाद उसके कॉल्स आने शुरू हुए तो फिर वो मैंने गुस्से में उठाया नहीं मैंने कहा अब हम मिल बात करते हैं hmm. तो जब मैंने स्टोरी में बोला मिल बात करते तो उसने बोला आप मुझे लोकेशन भेजो मैं आके आपसे मिल सामने आमने सामने बात करता हूँ तो मैंने कहा जो स्टोरी मंगा ली थी वो वो आप मुझे मेरे मुँह पर दे दिखाना तो उन्होंने लोकेशन मांगी मैंने लोकेशन भेजी वो आए नहीं फिर मैंने उनसे मांगी उनकी लोकेशन मुझे मिली मैं फरीदाबाद गया फरीदाबाद पहुंचा तो फिर उन्होंने बल्लमगढ़ बढ़ गिर दी बल्लमगढ़ से फिर पता नहीं कोई गांव था वहाँ की दी तो वो ऐसे ही चलते 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 वो चीज़ वहाँ भी थोड़ी सी सॉल्व हुई लेकिन उसके बाद वो कुछ वीडियो हमने अपने सोशल मीडिया पर डाल दिया तो उसको लगा मेरी इमेज खराब हो गई तो वहाँ से फिर उसने दोबारा से गालियाँ देना शुरू कर दिया तो ये होते होते पूरा कॉन्ट्रोवर्सी इतनी लंबी खिंच गई तीन चार दिन इसमें जो वेस्ट हुए हैं और जो जो सर में दर्द हुआ है और फिर जो झज्जर पुलिस ने वो कहते ना वाइल्ड वा, हाँ, हाँ। होती हैं है। अब जब पुलिस तो फिर, <laughs> फिर से बड़ा तो गुंडा कोई है नहीं ना हमारे देश के <laughs> तो मतलब ये बात आप मान रहे हैं एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं आपसे पूछने वाली थी कि झज्जर पुलिस ने भी ट्वीट करके जानकारी दी कि एक्शन ले रहे हैं हम लोग इन्फ्लुएंसर्स के तो मतलब लिया गया है लिया गया है उधर रजत को तो बिल्कुल उठा के उन्होंने समझाया एक दिन दो दो तीन घंटे बिठा के समझाया कि ये जो आप कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो इससे सोशल मीडिया पर अफकोर्स गलत इंपैक्ट पड़ रहा है ना आप ऐसे एक गुट बना के गालियाँ दे रहे हो वो छोटे छोटे बच्चे देख रहे हो उनको वो कूल लग रहा है उनको ऐसे लग रहा है अब अगली बार हम भी किसी से लड़ेंगे हम भी ऐसे गुट बना के गालियाँ देंगे तो वो कितना गलत मैसेज जा रहा है यूथ को तो उसके ऊपर एक्शन लिया तो उसको जब घर भेजा तो उसने फिर घर जाके बहुत छोटी सी गाली अपनी स्टोरी दी अगले दिन फिर से उठा लिया क्यार हमने तुझे कल समझाया था तू माना नहीं फिर अगले दिन फिर उठा लिया फिर उससे एक आ, स्टोरी बनवाई माफ़ी मांगते हुए सीखे फोन से उसने स्टोरी में माफ़ी मांगी कि भाई मेरे थ्रू एक गलती हुई है मेरी नादानी से गलती हुई है एक व्यक्ति विशेष को बुरा लगा तो मैं उसको सॉरी बोलना चाहता हूँ और आगे से मैं फ्यूचर में ऐसा काम नहीं करूँगा फिर उसने थाने से निकलते हुए वो स्टोरी डिलीट कर दी तो फिर उसने कहा हम आपस में ही सॉल्व कर लेते हैं यार पुलिस को हम क्यों इन्वॉल्व करें तो एक हमारे बड़े भाई हैं रूबल धनखड़ उनकी बहुत बहुत लोग बहुत इज्जत करते हैं हम भी करते हैं पुलिस में और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छी कंटेंट बनाते हैं उन्होंने आके घर बुला के सॉल्यूशन कराया फिर मैंने बोला उनको रजत को मैंने कहा तुमने यार गालियाँ दी हैं मेरी मॉम खड़ी थी मैंने उनको पहुँचू माफ़ी मांगो तो उन्होंने भी ठीक है भाई कोई बात नहीं आप, आपको आपकी माँ को बुरा लगा उन्होंने के माफ़ी मांगी उनको ये गुस्सा था कि मैंने जाट समाज को कुछ गलत बोल दिया हाँ मतलब मेरा ये कहने का था कि देखिए आप जब दो लोग लड़ रहे थे हाँ. तो कहीं ना कहीं दो कम्युनिटीज भी आपस में लड़ रही थी या दो हाँ। कम्युनिटीज बीच में आ रही हाँ. थी एक छत्तीस समाज छत्तीस बिरादरी हाँ छत्तीस बिरादरी हाँ. एक राजपूत समाज एक है ना कम्युनिटी समाज. समाज. तो तो हाँ। आने लगती है ना बीच में तो हाँ। हर बंदा फिर मेरे ख्याल से पर्सनल हो जाता है कि जाते है। जाते है। आप भले ही उनको नहीं कह रहे हैं हाँ। पर अगर मैं उस बिरादरी से ताल्लुक रखती हूँ तो मुझे लगेगा कि यार ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली डायरेक्टली मेरे से भी मेरे लिए भी बोल रहा है तो ये चीज तो और ज्यादा गलत हो जाती और और लोगों को भड़काने का काम करती कहीं ना कहीं तो हमारे जो हिंदुस्तान में ब्रोकर्स होते हैं ना उनको हिंदी में क्या बोलते हैं दलाल बोल देते हैं ना और रजत का जो सरनेमा है वो दलाल है तो हाँ अब मुझे याद है वो स्टोरी भी मैंने कहीं ऐसे बोला था मैंने कहा बीच में जरूरी थोड़ी किसी को दलाल बना के फैसला करवाए और मेरा सीरियसली कोई इंटेंशन नहीं था उसको हर्ट करने का तो उसने बोला तुमने दलाल को ऐसे वर्ड यूज़ किया है तो उसने पहले तो ये चीज़ बोली नहीं उसके बाद जब उसको लगा कि हाँ यार चीज़ ज़्यादा बढ़ गई है अब कैसे करा जाए चलो लेट्स इन्वॉल्व कम्यूनिटी तो उसने कि जाटों को गलत बोला है अच्छा अब जब ये पर्सनल आ जाता है ना कास्टिज़म पे तो लोग ये नहीं देखते कि किसी क्या बोला है बस उनके कानों तक ये गया कि जाटो को गलत स, बोला है हाँ। तो हम तेरे साथ हैं उन्होंने ये भी नहीं पूछने की कोशिश की कि कहाँ बोला है हमें दिखा अब आप मुझे बोलो कि राजपूतों को किसी ने गलत बोला है। तो मैं बोलूँगा ना दिखाओ मुझे तभी तो मैं रिएक्ट करूँगा आपने बोला मैंने माना और मैंने भी गालियाँ देनी शुरू कर दी फिर वो ऐसे हुआ दो तीन दिन मैंने अवॉइड करा मैंने कहा कि कास्टिज्म हो जाएगा तो इसमें नहीं इन्वॉल्व करते हैं अब कुछ मेरे साथ एक आदि भाई थे गुजर है एक हमारा रेस्लर है मैक्स तो वो भी मेरे साथ थे अब उसमें गुजर समाज भी इन्वॉल्व हो गया यादव समाज भी इन्वॉल्व हो गया और मैंने बहुत बचाया मैंने कहा नहीं करते तो फिर कुछ लोग आ, मेरे घर पहुँचे मुझसे मिलने तो किसी इंसान ने सोशल मीडिया पर बोल दिया राजवीर अपने आप को राजपूत बोलता, थाकुर बोलता थाकुर है ठाकुर बोलता है ठाकुर है ही नहीं तो मैंने कहा अब तो कम्युनिटी को लाना पड़ेगा तो फिर मैंने मेरे गांव के लिए एक वीडियो बनाया मैंने कहा मैं आधे घंटे का टाइम आप लोगों को दे रहा हूँ और मुझे सारे यहाँ चाहिए अब मेरी कम्युनिटी पे बात आ रही है दो दिन तो मैंने बहुत अवॉइड करा क्योंकि यार पढ़े लिखे लोग हैं और इतनी इतनी सी बातों पे इतने लोगों को परेशान क्यों करें सब काम धाम वाले लोग हैं ना अभी आपको मैं बोलूँ अपना काम छोड़ के मेरा झगड़ा हो गया वहाँ जाओ तो आप आ तो जाओगे क्योंकि आप मेरे फ्रेंड हो लेकिन आपका काम सफ़र होगा ना आज के दिन की सैलरी जाएगी तो नहीं मैंने कभी भी ये काम किया लेकिन वो जो पर्सनल हो गया ना कि ये राजपूत ही नहीं है तो मैंने बोला मैंने कहा यार आज मुझे सारे राजपूत भाई चाहिए तो उधर से पूरा हमारा एक राजपूतों का गढ़ है साठा चौरासी उसको साठा चौरासी यादे लोगों को पता नहीं आठ लोगों को लगता है मेरे गांव का नाम साठा चौरासी है वो साठा चौरासी मीन्स दो बेल्ट आ, एक बेल्ट के अंदर एक तरफ साठ गांव है एक, एक तरफ चौरासी तो वो गांव हो जाते एक सौ चवालीस गाँव तो उनके अंदर सारे राजपूत हैं तो वहाँ पर जो भीड़ लगी फिर सबको दिखा कि अब मुद्दा ज़्यादा बड़ा हो गया इधर से जाट इकट्ठे हो रहे हैं उधर से राजपूत हो रहे हैं उधर से मेरे सपोर्ट में कुछ गुजर भी थे कुछ यादव भी थे कि अब तो ये भाई नेशनल मुद्दा बनने वाला है इससे अच्छा इसको पहले ही ख़त्म करो फिर उन्होंने एक मैच रख दिया कि एग्रेशन में कि आप दो में अकेला मैंने कहा चलो ये तो बहुत तो अच्छी बात है दो तो दो ही होते हैं हमने भी एक्सेप्ट कर लिया अब नेक्स्ट डे जो फाइट होने वाली थी उससे पहले झज्जर पुलिस ने अपनी वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी और रजत को पहले ही उठा लिया कि वहाँ से इतनी भीड़ आएगी फिर यहाँ से इतनी भीड़ आएगी तो एक तो आप आपस में लड़ोगे मरोगे उसके बाद जो ट्रैफिक जाम होगा उसमें कितने लोग ऑफिस जाने वाले हैं कितने लोग हॉस्पिटल जाने वाले हैं किसी की तबीयत खराब है तो फिर वो पुलिस ने जो एंट्री मारी ना वो बहुत सही टाइम पर बहुत अच्छी मारी वरना ये बवाल और चलता हाँ

तो वो बहस होते 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 जो दोनों टीम थी वो दोनों टीम लड़ गई तो माय फादर इज़ अ टीचर तो वहाँ से मेरे फादर को कॉल आया कि आपके बेटे के चक्कर में स्कूल में टीम लड़ रही है तो मुझे तीन चार जगह से ये शिकायत मिली तो मैंने कहा यार उनके दिमाग में तो वही है ना हमें आइडल समझ रहे हैं वो छोटे छोटे बच्चे और वो तो लड़ेंगे ही आपस में तो मैंने कहा यार इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करो मैंने रजत ने बात करी कि यार इसको ख़त्म करते हैं अपना हमारा जो भी पर्सनल है वो हम कभी बाद में देख लेंगे और अभी फिलहाल इसको खत्म करते हैं तो फिर वो डिसीजन जाके लिया फिर एक वो घर आया उसके बाद लाइव वीडियो बनाया कि मेरे घर पे है मेरी मम्मी पापा के साथ बैठा है इसको खत्म करो फिर मैसेज भी दिया शांति का अच्छा कुछ लोग बड़े नाराज इस बात से आपने लड़ाई खत्म क्यों करी अच्छा इस बात से भी नाराज हाँ, की, है लोगों की। कि हम तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के मैच का वेट कर रहे थे ना तो पढ़ाई हुई ना लड़ाई

एज ग्रुप के लोग हैं बच्चे हाँ भी हैं बड़े भी हैं हाँ। बुजुर्ग भी हैं आप कितना गंदा लगता है ना आप फैमिली में बैठे हो और एकदम से आप स्क्रोल करो एकदम से रीलाई तेरी माँ की तेरी हाँ। बहन की वो बहुत गलत, गंदी गंदी गालियाँ तो वो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है आप घर के अंदर बैठे हो चार लोगों के बीच में और माँ की बहन की गालियाँ वो आ रही हैं फिर इंसान जल्दी से स्क्रोल करता है या आपका कोई बच्चा छोटा है उसने पढ़ाई के बीच में आपने उसको ब्रेक दे दिया कि बेटा आप तू आधा घंटा फोन चला ले और वो ये सब सुन रहा है तो वो भी गलत था एग्जैक्टली exactly. और ये क्या था ये मैं देख रही थी वीडियोज़ मुझे तो बहुत फनी लग रहे थे मीम के तरीके बनाए गए थे चार्जर लेते आना भाई मेरा चार फोन <laughs> जो चार्ज हो गया है मेरी बंदी होती तो मुझे ये नहीं करने देती तो मैं एक सिंगल हूँ ये ये एक्चुअली मतलब हुआ है बोला वहाँ पहुंचे तो उस, नहीं वो बोला था उसने हाँ। उसको मजाक लग रहा था उस टाइम मैं बहुत गुस्से में था उसे मजाक लग रहा था तो उसने स्टोरी बनाई कि आप आ तो रहिए इतने सारे लोग तो यार किसी के पास चार्जर हो ना तो चार्जर ले आना

आपका क्या कहना है क्योंकि आप लोग तो सेम कम्युनिटी कम्युनिटी से, हैं और मेरे से दोस्ती भी दोस्ती है, मतलब है अच्छा। मुलाकात हाँ, भी हुई है बात भी होती रहती है तो एलविश के बारे में आपका क्या कहना है एलविश के बारे में यही कहना है कि जब तक कोर्ट प्रूफ नहीं कर देता या कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना देता तब तो देखो वी आर वी फैमिली है ना अब कितना भी अपना इंसान गलत हो हमें तो यही लगता है यार हमारा बच्चा या हमारा भाई या हमारी बहन भूला है इसको फंसाया गया है तो कोर्ट के फैसले का वेट कर रहे हैं तब तक के लिए हमें तो ऐसे लगता है कि ये जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं ये गलत लगाए गए हैं बाकी जो फैसला कोर्ट का आएगा वो, वो एक्सेप्टेबल होगा सर पर उससे ऊपर तो कुछ नहीं ना कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है

तो मैं बहुत डिप्रेशन में था तो एक साल के लिए मेरा वर्कआउट छूट गया था अच्छा हाँ तो फिर मुझे कुछ दोस्त मिले उन्होंने कहा कि यार 2000 2018 टू, आ, टू की बात है तो कुछ लोगों ने बोला यार हम तुझे देख के ना मोटिवेट होते हैं शुरू से बचपन से जब हम टेंथ में थे नाइन्थ में थे तुझे देख के वर्कआउट करना हमने शुरू किया तेरी हालत ऐसी हो गई है तो यार हम कैसे मोटिवेट होंगे तो मैंने कहा नहीं यार अब बहुत जल्दी मैं वो डिप्रेशन से बाहर आ रहा हूँ और मैं अब बॉडी बनाऊँगा दोबारा से तो उसने बोला यार हमारा ना बड़ा मन करता तेरे साथ वर्कआउट करने का बट टाइमिंग मैच नहीं होती मेरे बहुत सारे स्कूल के फ्रेंड्स थे हमांशु है और भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे कॉलेज के फ्रेंड्स थे जो ये कहते थे यार वर्कआउट तू तो बहुत डेडिकेशन के साथ करता है हमें तेरे साथ वर्कआउट करना है तो एक दोस्त ने बोला यार हमें ना तेरे वाला वर्कआउट करना होता है और हम तेरे साथ तो कर नहीं पाते तो एक काम कर एक चैनल बना ले तू चैनल के जो भी वर्कआउट करेगा जो भी डाइट लेगा वो वीडियो अपलोड कर दिए उसको हम भी देख घर बैठ के देख लेंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम जिम जाएंगे तो हम अपना वर्कआउट कर लेंगे इस तरह से मेरा चैनल शुरू हुआ तो वो जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करी तो उस टाइम पर बहुत मोटा था तो लोगों को जैसे मैं सिक्स पैक एब्स का वर्कआउट बता रहा हूँ या ऑब्लिक्स का रहा हूं, या बता रहा हूँ या डाइट बता रहा हूँ सिक्स पैक एब्स के लिए तो मुझे कमेंट्स भी आते थे पहले अपना तो कम कर ले हमें बता रहा बट उनको पता नहीं ना मेरा बैकग्राउंड कहा है मैं तो वो होते 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 मैंने जब टिप्स देना शुरू किए फिर मेरा एक पहला ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो आया तो मैंने पहली बार मेरे चैनल के ऊपर व्यूज़ देखे थे उस वीडियो के ऊपर अदरवाइज थर्टी फोर्टी फाइव तो उत, उतने की याद आती है मुझे ऐसा लगता था मेरे फ्रेंड सर्कल जो है मुझे मुझे फॉलो कर करा मुझे पता नहीं था यूट्यूब से पैसा भी आता है या मेरा चैनल कभी इतना आगे चला जाएगा या मैं फिटनेस इंडस्ट्री में अपना एक नाम बना पाऊंगा कभी सोचा ही नहीं था इतनी बड़ी जर्नी हो जाएगी तो फिर वो जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो आया उसके बाद फिर मैंने फिर से शुरू किया फिर वो स्टक हो गया चैनल मेरा कि अब तो ना तो सब्सक्राइबर आ रहे हैं ना व्यूज बढ़ रहे हैं ऐसा क्यों मतलब एक पॉइंट आता 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 ही ही है है कोई और नहीं कंटेंट से बोर हो जाती है ना ऑडियंस तो मैंने कहा यार मेरा जो पहला वीडियो वन लैख अच्छा मैं जब लोगों के व्यूज देखता था तो वन मिलियन जब लिखा होता था ना मुझे बड़ी खुशी होती थी मैंने कहा मेरे चैनल पे वन मिलियन कब आएंगे तो उस वन मिलियन के लिए मैंने ट्रांसफॉर्म किया फिर से मैंने कहा मैंने जब बॉडी ट्रांसफॉर्म की थी और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो डाली थी उस पर मेरे व्यूज़ आए थे उससे मेरा चैनल ग्रो हुआ था फिफ्टीन सब्सक्राइबर हुए थे अब मैं दोबारा से वेट बढ़ा के ना अच्छी सी एक स्क्रिप्ट बना के वीडियो बनाता हूँ तो फिर मैंने एक वीडियो के लिए तीन महीने पहले खा खा के वेट बढ़ाया फिर तीन महीने में बॉडी को रेड करा छः महीने लगे फिर मैंने एक वीडियो बना के ऐसे ठुकरा के मेरा प्यार काइंड ऑफ उसमें एक लड़की है उसने मुझे चांटा मारा मोटा हूँ उसने रिजेक्ट कर दिया उसके बाद मैंने बॉडी बना ली फिर वो सड़ी सी मैंने स्क्रिप्ट बनाई <laughs> और वो हिट हो गई ट्वेंटी फाइव मिलियन व्यूज़ गए उस वीडियो के ऊपर और वीडियो जिस दिन मैंने डाली है उससे डेढ़ या दो महीने के अंदर मेरे व्यूज़ तो मिलियन आए ही आए मेरा चैनल भी वन मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस कर गया हाँ तो वो जो वीडियो आप बात कर करें वो तब गया तो वो सोचो जो आप ए वन मिलियन व्यूज़ दे के खुश होते थे अब आप वन मिलियन टू हाँ, मिलियन हाँ, थ्री मिलियन फिलहाल हाँ, आपके थ्री मिलियन सब्सक्राइबर्स हाँ, हैं नॉट रॉन्ग है ना तो अब तो आपको सब्सक्राइबर्स है थ्री मिलियन और आगे क्या क्या सोचा है आपने फिटनेस ही करते रहना है करते नू? रहना अभी एक ब्रांड मैंने शुरू किया है मतलब अच्छा चल रहा है छः महीने हो गए देसी घबरू मैंस ग्रूमिंग ब्रांड है जैसे बियर्ड ऑयल फेस वॉश हेयर वैक्स परफ्यूम्स तो उसमें जाने का प्लान है

कॉन्ट्रोवर्सी कर लो या तो उसको छेड़ दो या उसको रोस्ट कर दो उधर से वो जब आप देगा तो मैं लोगों की नज़र में आ जाऊँगा अच्छा देखो अब आपने ये बात बताई कि फिटनेस इंडस्ट्री के कुछ लोग बोल रहे थे हाँ। ऐसा ड्रामा क्रिएट करने के लिए बिकॉज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि आपकी और रजत की जो लड़ाई हुई है वो स्क्रिप्टेड है वो फेक है स्क्रिप्टेड है और पॉपुलरिटी और अटेंशन के लिए आप लोगों ने ये किया है तो ये तो लोगों को चाहिए कि एक इंसान तो मरना चाहिए भाई एंड में अगर फैसला हुआ तो स्क्रिप्टेड है

फ्रेंड कह सकते हो नहीं भी कह सकते हो, मतलब ये है कि वो अपनी लाइफ में खुश रहे हम अपनी लाइफ में खुश मतलब लड़ाई सॉर्ट कर ली है लेकिन ज्यादा मतलब नहीं है वैसा ज्यादा मतलब नहीं है तो दिल में अभी कुछ नहीं, कसक नहीं, है नहीं, नहीं, या कुछ, नहीं कुछ नहीं हो गया कुछ बोला उसने माफी मांग ली दिल चमारी माँ के पैर छू लिए और तो अब बात ही खत्म है दिल में रख के क्या होता है कि अपना ही दिमाग खराब होता है अगर मैं दिल में रखे रखूंगा और मैं कुछ उसके लिए प्लानिंग करूँ तो मैं गद्दार गद्दारूँ और जब तक मेरे दिल में वो चीज रहेगी मेरा दिमाग भी खराब रहेगा ना मैं काम कर पाऊंगा ना वीडियोज बना पाऊंगा ध्यान दे पाऊंगा तो सबसे बड़ी चीज मैं ये समझता हूँ कि लेट गो कर देना चाहिए चीज़, ऐसी चीज़ों को दिल से निकाल के ठीक है मूव ऑन करो लाइफ थैंक यू राजवीर आपने हमसे बहुत अच्छी बातें की और सारे सवालों के आपने जवाब दिए और हमें पता चल गया कि ये फाइट स्क्रिप्टेड नहीं थी झज्जर पुलिस की एंट्री हो चुकी थी और उसी की वजह से कही कहीं ना कहीं ये मसला थोड़ा हल हुआ वरना ये मैटर बहुत बढ़ जाता बहुत बढ़ जाता अगर पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं होती तो बहुत बढ़ जाता उनकी भी बहुत अच्छी प्लानिंग थी और हमारी भी <laughs> क्या क्या प्लानिंग थी यहाँ तो मैं क्या बताऊ लेकिन शायद पूरा देश ऐसा झगड़ा देखता कि यार ये हुआ क्या और अंदर से शर्म भी आ रही थी कि जब हम लोग लड़ेंगे इतनी भीड़ आपस में लड़ेगी जैसे युद्ध हो तो रहा हो युद्ध हो रहा हो जैसे और क्यों, क्यों मतलब बाद में ऐसा बाद में ऐसा कभी लेटे लेटे सोचा कि यार क्या किया ये क्यों लड़ते अगर लड़ते तो ऐसा कभी दिमाग में आया आता है मैं तो मतलब डे वन से शांत था मुझे तो ये था कि मुझे तुझसे मिलना है और मुझे वीडियो क्योंकि तुम वीडियो में गाली दे रहे हो ना मुझे मुझे ऐसे कैमरा ऑन रखना और मुझे सामने खड़े होकर ना अब तुम मुझे गाली दे क्योंकि सामने आते ही सब भाई हो जाते हैं हाँ। है ना हाँ। कैमरे पे आके सब गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को गोली मारने की धमकी दे रहे एक दूसरे को मार काटने की धमकी दे रहे हैं सामने आते है अरे आप तो भाई हो तो ऐसी पहले भी कई कंट्रोवर्सीज हुई है मेरे साथ सामने आते भाई हो आप मेरे

ठीक okay. चलिए थैंक यू राजवीर हमसे बात करने के लिए और अपना टाइम देने के लिए आप लोगों को जो भी कहना है आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है फीडबैक्स कमेंट्स में दीजिए और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू राजवीर